सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है जी। नए नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं जी। और हम लोग अभी जा रहे हैं जी फ्लेमिंगो जा रहे हैं जी खाना खाने के लिए, क्योंकि आज चांद रात है। तो शायद मेरे दोस्त मामा मिल जाए, मैं भी मामा के साथ जा रहा हूँ। सो सो जुम्मा मैं पढ़ कर आ गया था, तो अभी जाना है भाई जान। चलो हाँ, तो हमने शॉपिंग कर ली है अभी, तो अभी बस खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। घंटा हो रहा है, फिर बस खाना खाने के बाद एक और चीज़ें नहीं, तो जाना है हमें, जाना है घर पर जाना है। एक ज़माने में हम भी इधर आते थे भाईजान। अब वो भाईजान जो बैठे हैं, हमारी एज ज़्यादा होगी, हम हमें वो एज अ सिंगल अंदर ही नहीं जाने देते। ज्यादती है यार, कसम से ज्यादती है। एक ज़माने में हम इतना ज़्यादा आते थे इधर। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं, मैसे करते हैं यार, तुम कल भी कपड़े पहन जाते भाई, जाते कपड़े एक कपड़े को एकदम ही पहनना होता है भाईजान। अभी हमारे साथ हैं जी नजम भाई, रहने दे कपड़े खींच दो। तूने की शॉपिंग की है ईद की? पहले एक महीना पहले कर ली। उस दिन तो तुम मुझे आके बोला था कि मैंने सिर्फ तो दो छोटे लिए। भैया ईद की शॉपिंग और क्या है, मैंने भी ली है, अभी लिया भैया, कल ईद है। पर यार ईद कसम से इस बार फील ही नहीं हो रही। बड़ी ईद है ना, छोटी ईद फील होती है। सलाम वालेकुम भाईजान। और अभी बच्चे हम लोग क्या हाल है जी, नए नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। चांद रात का मैं ब्लॉग नहीं बना सका, तो ये कोई नहीं खैर है। लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं जी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, सब दोस्तों के पास जा रहे हैं। हम लोग रेडी रेडी बड़ी हो गए। बाकी अभी देखो, अभी नमाज को स्टार्ट होने भाईजान 20 मिनट रहते हैं, रेडी बड़ी देखो फुल रेडी बड़ी हो गए हैं। चलो अभी चलते हैं। दोस्त के आगे हम लोग घर पर वेट कर रहे हैं उसका। उठो, सारे उठने शुरू हो गए। भाग भाग भाग, वो छोड़े पहले तुमने निकाल दे रहा मेरी छोटे बच्चों दे दी लूंगा। नमाज पढ़ ली भाई जान, पढ़ लिया आपने? हमें तो लगा भाई अब्दुल्ला के साथ आ रहे हैं। अब्दुल्ला की रह गई है, मैं लिख के देता हूँ उसकी रह गई है। पास का पीछे आपके हिसाब से है ईद मुबारक भाई, झुकना पड़ेगा मिलने के लिए। ईद मुबारक। ओपन द डोर। यार जोर से नहीं मारते, अभी तो मैंने मारा ही नहीं है। ओ यार एसी, हाय हाय अब्दुल्ला, आई डोंट बी मीन, लेकिन काफी बुजुर्ग है, इस वजह से ले सकते थे हम लोग। लेकिन बड़ी ईद है यार, ये छोटी ईद में कहा थे यार। फोन मैंने कॉल कर, अबे निकल यहाँ से, अबे निकल यहाँ से। हमें आजादी मिली है। अस्तग़फ़िरुल्लाह यार, हिंदू अस्तग़फ़िरुल्लाह। तौबा, मेरी आंखें नहीं, मेरे कान। हम लोग ईद की नमाज पढ़ा है, और फिर मैं खाना बांटने लगा हूँ। तो खाना खाने के बाद सो के फिर शाम को एक प्लान है, वहाँ जाना है फिर। ठीक है, चलो भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है। और ईद का भी तीसरा दिन चल रहा है। तो पिछले दिन हमने कुछ नहीं किया था, तो अभी हम कुछ करने जा रहे हैं।
दोस्त आ रहे हैं, हम खाना खाने जा रहे हैं, तो अभी कल आपके लिए एक सरप्राइज है भाईजान, देखना। तुम लोग शर्म नहीं आती मुझे चल के आना पड़ रहा है? क्या हाल है? ठीक ठाक, बैठो। अबे निकलो यार चेन्नई दरबार, आज तक नहीं आया मैं इधर। डोसा खाते हैं, वड़ा खाते हैं, वड़ा वड़ा पाव ले आओ यार, वड़ा पाव। आई एम मेकिंग व्लॉग्स, ओके, सो डोंट माइंड मी, क्योंकि ईद के पहले दूसरे दिन हमने कुछ किया ही नहीं, तो आज का व्लॉग मुझे बनाना बहुत जरूरी है। नदन से अच्छा भाई, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, क्या बोली बोली नजर नहीं आ रहा, मुझे लगा बंद हो गई। सलाम वालेकुम, बैठने की जगह है? शुक्रिया। ओ पापा जी मैं ले लिए पैसे, आई एम रिच नाउ। अच्छा यार वेब की ऑफिशियल शॉप भाई जान, हमने अभी अभी ऑर्डर कर लिया खाना खाने के लिए, हमारे साथ ऑब्वियसली हमेशा की तरह तला भाई और अब्दुल्ला भाई हैं, तो अभी खाना खाने के लिए डीप फ्राई में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ खाने के लिए। वही आप लोग आते रहते हो ना? एक दफा आया। हम्बर्गर लाओ ब्रो, एक तो मसला है कि तेरी हाइट बड़ी है ना, तो मुझे ऐसे भी ऐसे करना पड़ता है कि तेरे को तू है किधर, इसने से तो खैर है ना। अबे नहीं नहीं भाई, मैं ऐसे कह रहा हूँ, लाफिस पे ऐसे करते तो तुम बेकार के साथ मेरे साथ बैठो यार, क्या पैसे लग जाएंगे फिर यार ना। चलो यार ओके यार, लाफिस लाफिस, चलो मेरा 350 का गेम है, 385 320 का, तो आपने जो लिया उनमें से गिरी चुन के एक अच्छा लगा हुआ था, यहाँ पर इतने से डिजाइन भी लगे हुए जो मैंने लिया वो अच्छे, हाँ वो अच्छा अच्छा। अगर ये जो ये है वो ना ना ये मैं ये ठीक है, आई मीन काइंड ऑफ पूरा है मेरा इधर घुटना। वजन हॉल की लाइटें बंद हो रही है और हम शूज ले रहे हैं अभी इधर, सो यार एक शूज वैसे हमने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अभी मैं टू भी शूज हमने एक और सेलेक्ट किया, क्योंकि वो इससे भी मेरा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसका साइज चेक करने की वजह में, क्योंकि मेरा 41 है तो 44 के पास है, चेक करते हैं वजन अभी। एप्पल पे मुंह में मारने की जरूरत नहीं शूज की प्राइस देखने का यार ये जरा चेक करो, मैं शूज लाया हूँ ये जरा चेक करना जरा, ये देखो मतलब मैं ये वाले शूज लाया क्योंकि दूसरे वाले थे वैसे थोड़े अच्छे थे लेकिन वो उसका साइज नहीं था, मैं भी ये ले आया, चेक करो जरा बताओ कैसे हैं। यहाँ तक बाकी ज्यादा व्लॉग की बात है, इंशाल्लाह आपको एक दो दिन में सरप्राइज पता चल जाएगा कि हम किधर जा रहे हैं, और यह 6 दिन का ब्लॉग आएंगे लगातार आई होप,
और ये थी जी, ये था जी मेरा ईद का व्लॉग। तब तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।